नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। देश के सबसे लोकप्रिय और सबसे विश्वसनीय नंबर वन शो शंखनाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद में आज आपको भारी बारिश से मचे हाहाकार की तस्वीरें दिखाएंगे। मेरे आसपास जिस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, दरअसल देश के कई ऐसे बड़े हिस्से हैं जहां पर इसी तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। मैदानी इलाकों में बाढ़ तबाही मचा रही है, तो वहीं पहाड़ों पर सैलाब सितम ढा रहा है। मौसम की मार के चलते कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं रास्ते जमींदोज हो रहे हैं। शहर शहर लोगों की जिंदगियां आसमानी आफत के बीच फंसी हुई हैं और इन्हें बचाने की जद्दोजहद जारी है। चारों तरफ, जैसा कि इस वक्त भी आप देख रहे हैं, चारों तरफ कुदरत ने हाहाकार मचाकर रखा है और इसी वजह से अपने इस शो की शुरुआत, शंखनाद की शुरुआत पहाड़ों में मचे कोहराम के साथ कि किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है उसको बताते हुए यह रिपोर्ट देखिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर, खौफ पैदा करने वाली तबाही, कुदरत का कहर देखिए। एक विशाल पहाड़ चंद सेकंड में जमींदोज हो जाता है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के पौंटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे 707 की है। सुबह 8 बजे कमरों के करीब ये भयंकर लैंडस्लाइड हुई, जिसकी तस्वीरें लोगों ने मोबाइल कैमरों में कैद कर ली। देखिए, पहले पहाड़ के नीचे का हिस्सा दरकना शुरू हुआ, जिसके ऊपर से सड़क जा रही है। लेकिन ये तो तबाही का ट्रेलर है, इसके आगे जो होता है वो हैरान करने वाला है। पूरा का पूरा पहाड़ ढह जाता है, रोड का नामो निशान नहीं बचता। नेशनल हाईवे का एक हिस्सा लैंडस्लाइड के बाद ऐसे गायब हुआ जैसे यहाँ सड़क थी ही नहीं। मगर उस सड़क का जो हिस्सा दोनों तरफ बाकी बचा था, वो याद दिला रहा है कि ये सड़क कितनी कच्ची बुनियाद पर टिकी थी। जिस वक्त ये कुदरती हादसा हुआ, उस वक्त दर्जनों गाड़ियां सड़क पर मौजूद थी, मगर पहाड़ से पत्थर गिरता देख लोगों ने भांप लिया और समय रहते वहां से दूर हट गए। यही वजह है कि जब ये भयंकर लैंडस्लाइड हुआ तो गाड़ियां इसकी चपेट में नहीं आई। मगर नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाने से आने जाने का संकट खड़ा हो गया है। वहीं बिजली के खंभे टूट जाने से पूरे इलाके में ब्लैकआउट है। हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंडी के करसोग में खराब मौसम के चलते देखिए, ट्रक पलटते हुए खाई में जा गिरा। ट्रक चालक की किस्मत अच्छी थी, जिसने ट्रक से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। खत्म है। मंडी की गलियों का हाल देखिए, पहाड़ों से पत्थर गिरे तो शेड के नीचे खड़ी 12 गाड़ियां दब गईं। चंबा में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। बन्नी नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आने से नाले पर बना पुल पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसकी वजह से वहां पर कई पंचायतों का संपर्क कट गया है। वहीं चंबा होली सड़क मार्ग पर भूस्खलन से सड़क मार्ग भी बंद हो गया। आज तक ब्यूरो। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कई लोगों की जान पर बनाई। खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के बीच 221 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन मुश्किल भरे हालात में ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी बेहद जोखिम भरा है। कैसे लाहौल स्पीति में हाहाकार मचा हुआ है, आइए देखते हैं। पहाड़ों में खूंखार हो चुकी कुदरत का कहर देखिए। तबाही पहाड़ तोड़कर बरस रही है, पहाड़ों से हुंकार मारता पानी, जिसके दोनों छोर पर जिंदगी बचाने का खेल जारी है। देखिए किस तरह एक सीढ़ी के सहारे एक एक कर लोगों को सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश हो रही है। एक चूक और सैलाब कहां ले जाएगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। दोनों तरफ इंसान तमाशबीन बने खड़े हैं। लाहौल स्पीति में कुदरत के कहर की एक और तस्वीर देखिए।
एक घायल युवक को बचाने के लिए तीन लोग आगे गए। उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, लेकिन किस्मत सैलाब के बीच अटक गई और देखते ही देखते तीनों युवक तेज बहाव में बह गए। हालांकि उन्हें रेस्क्यू के बाद बाहर निकाल लिया गया। लाहौल स्पीति में कई पर्यटक फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, लेकिन अभी भी वहां फंसे लोगों को कोई राहत नहीं मिल पाई। उदयपुर उपमंडल में ही 221 लोग फंसे हैं, जिनमें से कुछ महिलाएं और छोटे बच्चे भी हैं। लोग सोशल मीडिया पर लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुल्लू और लाहौल का मौसम खराब है, ऐसे में हवाई मदद में भी परेशानी हो रही है, जिसके चलते हेलीकॉप्टर उड़ान की संभावना भी काफी कम बनी हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी अपना हवाई दौरा रद्द करना पड़ा। आईटीबीपी दोनों इसमें बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, तो तीन लोग अभी भी मिसिंग है, उनके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। उनको लगभग 221 के लगभग वहाँ लोग फंसे हुए हैं, जिसमें टूरिस्ट भी हैं और कुछ और लोग भी हैं, हिमाचल के लोग भी हैं जो काम के सिलसिले में वहाँ पर गए हुए थे, वहाँ फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। हिमाचल में अब तक करीब 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात, मौसम विभाग की माने तो कुछ दिन और ऐसे ही हालात बने रहेंगे, जहां कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।